दोस्तों, पिछले एक वीडियो पर मैंने आप लोगों को दिखाया है कि किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से एक गेमिंग यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। और दोस्तों, उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे किस तरीके से वीडियोस अपलोड करता हूँ। यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट पे बता दीजिएगा। तो आप सब ने उस वीडियो के नीचे काफी ज्यादा कमेंट किया है, इसका मतलब दोस्तों आप सब जानना चाहते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे किस तरीके से वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मैं सबसे पहले से ही आप लोगों को बता दूं कि शुरू से लेकर आज तक जितने भी वीडियोस मैंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया है वो दोस्तों अपने फोन के माध्यम से ही किया है। तो यदि आपने एक YouTube चैनल बनाया है और वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैं अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ही अपने YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड करता हूं, उस तरीके से ही दोस्तों आप भी अपने YouTube चैनल पे अपने फोन के माध्यम से ही वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसी प्रोसेस में ही काफी सारे बड़े-बड़े क्रिएटर अपने YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड करता है। तो इधर मैं जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मैं अपने स्मार्टफोन के माध्यम से अपने YouTube चैनल पर वीडियोस अपलोड करता हूं, तो इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को बना से पिए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये रहा मेरा एक वीडियो और इस वीडियो पे मैंने ये बताया है कि इंडियन होके बांग्लादेश सर्वर पे कैसे फ्री फायर आईडी बनाया जाता है। तो इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे छोड़ के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करने से पहले आपको अपने वीडियो के लिए और चार चीज बना लेना है। पहला है दोस्तों थंबनेल। तो दोस्तों, आपको अपने वीडियो के लिए एक अट्रैक्टिव थंबनेल बना लेना है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे इस वीडियो के रिगार्डिंग एक थंबनेल बना लिया है। तो दोस्तों थंबनेल आपको अच्छे से बनाना है, काफी ज्यादा टाइम देके आपको थंबनेल को बनाना है। क्योंकि दोस्तों थंबनेल जब तक आप अच्छे से नहीं बनाएंगे तब तक दोस्तों आपके वीडियोस पे क्लिक नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों लोग थंबनेल देख के ही वीडियो पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आपको अपना थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाना है और दोस्तों थंबनेल के अंदर कुछ ऐसा करना है ताकि आपका थंबनेल देख के ही लोगों को पता चले कि आपके वीडियो के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ही थंबनेल बनाता हूं। तो दोस्तों थंबनेल बनाने के साथ साथ और तीन काम भी आपको करना है कि दोस्तों आपको अपने वीडियो के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स लिखना है। तो इसके लिए आपके फोन में जो नोट्स वाला एप्लीकेशन है तो नोट्स के अंदर आप अपने वीडियो के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन और दोस्तों टैग्स लिख के रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने वीडियो के रिगार्डिंग यहाँ पे अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन और दोस्तों टैग लिख के रख लिया है। तो किस तरीके से आप अपने वीडियो के लिए टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, इस पे यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट पे बता दीजिएगा, जिस पे मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। इसका मतलब दोस्तों YouTube पे वीडियो छोड़ने से पहले आपको अपना वीडियो के साथ साथ अपना वीडियो के लिए थंबनेल, टाइटल और दोस्तों डिस्क्रिप्शन और टैग्स बना लेना है। उसके बाद दोस्तों किस तरीके से आप YouTube पे अपलोड कर सकते हैं अपना वीडियो को, वो आप अभी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको अपने नोट्स के अंदर टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन बना लेना होगा। उसके बाद जो भी टाइटल आप बनाएंगे अपने वीडियो के लिए उस टाइटल को यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपने फोन में अपना क्रोम ब्राउजर ऐप ओपन करना होगा। जैसे कि दोस्तों ये रहा मेरा क्रोम ऐप, तो इस पे मैं सिंपली से क्लिक करके इसे ओपन कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा कि यहाँ पे दोस्तों मेरा YouTube का स्टूडियो पहले से ही सेव है, तो ऐसे में आप यहाँ पे YouTube डैशबोर्ड डाल के सर्च कर सकते हैं। उसके बाद इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में प्रेस कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो चैनल का लोगो आपको दिख रहा है तो आपको अपने चैनल के लोगो पे प्रेस करना होगा और यहाँ पे योर चैनल वाले ऑप्शन पे प्रेस करना होगा। तो आप जैसे ही प्रेस कर देंगे तो ऐसे में आपका चैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन दिया गया है इस वाले ऑप्शन पे प्रेस करना होगा। ऐसे में दोस्तों YouTube स्टूडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे YouTube स्टूडियो के अंदर मेरा चैनल यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे क्या करना है वो आप देख लीजिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्रिएट का एक ऑप्शन दिया गया है, तो क्रिएट वाले ऑप्शन पे सिंपली से क्लिक करना होगा और यहाँ पे अपलोड वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे प्रेस करना होगा। प्रेस करने पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे अपना वीडियो को ऐड करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे प्रेस करना होगा। तो ऐसे में आपका फाइल यहाँ पे दिखाया जाएगा जिस पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे अपना वीडियो को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि ये रहा मेरा वीडियो, तो इस पे मैं सिंपली से क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप प्रेस कर देंगे तो ऐसे में आपका वीडियो YouTube स्टूडियो पे ऐड हो जाएगा।
जाएगा और अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि टाइटल, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना वीडियो के लिए टाइटल डाल देना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे इन सारे वर्ड्स को यहाँ से हटा देंगे, उसके बाद दोस्तों जो भी आपका टाइटल होगा, मतलब जो भी टाइटल आप अपने वीडियो के लिए बनाएंगे, उस टाइटल को यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने वीडियो का टाइटल डाल दिया है, उसके बाद फिर से आपको अपने नोट्स वाले ऑप्शन को ओपन करना होगा और जो भी डिस्क्रिप्शन आप बनाएंगे उस वाले डिस्क्रिप्शन को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना होगा। तो इसके लिए चलिए यहाँ पे अपना जितना भी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है सभी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली से पेस्ट कर देना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन भी पेस्ट कर दिया है, उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे थंबनेल ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों थंबनेल ऐड करने से पहले यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो इस वाले ऑप्शन पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे आ चुका है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे गेमिंग टिप्स फॉर फ्री फायर वाले प्लेलिस्ट पे ऐड करना चाहता हूँ, तो इस पे मैं सिंपली से टिक मार्क लगा दूंगा। तो दोस्तों आपको अपने चैनल के लिए प्लेलिस्ट खुद से बनाना है, तो प्लेलिस्ट कैसे आप बना सकते हैं इस पे भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो और दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इन दोनों ऑप्शन में से आपको यहाँ पे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पे टिक मार्क लगाना है। उसके बाद यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करना है, तो और भी काफी सारे ऑप्शन आपके सामने दिखाया जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है कि पेड प्रमोशन, तो दोस्तों यदि आप पेड प्रमोशन का वीडियो बनाया है तो इस केस में आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक मार्क लगाना है। इसके अलावा यदि आपने खुद से वीडियो बनाया है तो इस केस में आपको यहाँ पे टिक मार्क नहीं लगाना है। तो दोस्तों पेड प्रमोशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने एक एप्लीकेशन का रिव्यू वीडियो बनाया है और वो जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का जो ओनर है उससे आप पैसा भी लिया है, तो यदि आपने पैसे के थ्रू किसी का एप्लीकेशन प्रमोशन का वीडियो बनाया है तो इस केस में आपको यहाँ पे पेड प्रमोशन वाले ऑप्शन पे टिक मार्क लगाना है। इसके अलावा यदि आपने खुद से वीडियो बनाया है तो इस केस में आपको यहाँ पे पेड प्रमोशन वाले ऑप्शन पर टिक मार्क नहीं लगाना है। तो दोस्तों अगला जो ऑप्शन आता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि है दोस्तों टैग्स, क्योंकि दोस्तों टैग्स के थ्रू ही आपका वीडियो सर्च लिस्ट में जाता है। तो यदि आपका एक न्यू चैनल है तो ऐसे में आपके पास तो सब्सक्राइबर नहीं होंगे, तो इस केस में आपको अपना वीडियो को रैंक कराना है सर्च लिस्ट में। तो सर्च लिस्ट में रैंक कराने के लिए आपको अच्छा अच्छा टैग लगाना है, तो आपको अपने वीडियो पे 10 से बड़ा टैग ऐड करना है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे टैग पहले से ही लिख के रखा है, तो दोस्तों टैग आपको एक एक करके ऐड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले वाला टैग आप कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से, मतलब नोट वाले एप्लीकेशन से कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ऐड टैग वाले ऑप्शन पे पेस्ट कर दीजिएगा, तो ऐसे में बॉक्स के अंदर आपका टैग ऐड हो जाएगा। जैसे कि दूसरा वाला टैग को भी मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए दूसरा वाला बॉक्स में मेरा दूसरा टैग ऐड हो चुका है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको एक एक करके आपने जितने भी टैग बनाएंगे सारे टैग को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो टैग आपको अच्छा अच्छा बनाना है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी टैग अपने वीडियो पे डाल देंगे। दोस्तों आपको अपने वीडियो के रिगार्डिंग टैग बना लेना है और कुछ इस टाइप से अपना टैग को अपने वीडियो के टैग वाले सेक्शन पे पेस्ट कर देना है, तो 10 से बड़ा टैग आप डाल दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों और एक चीज आप सुन लीजिए कि दोस्तों टैग ऐड करने वाले सेक्शन पे आपको अपना चैनल का नेम भी डालना है। तो टैग ऐड करने वाले सेक्शन पे यदि आप अपने चैनल का नेम भी डाल देंगे तो ऐसे में यदि आपके चैनल नेम से कोई सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो ऐसे में आपका वीडियो भी सर्च लिस्ट में आएगा। तो सारे टैग को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो चलिए अभी यहाँ पे अपने चैनल का नेम भी डाल देते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेक्निकल टॉप सपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे इस त्रिकोण निशान पे क्लिक करने पर ये बॉक्स के अंदर दिखाया जाएगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको अपना नेम भी डालना है, चलिए मैं यहाँ पे डाल देते हैं वाइटी सुजन। तो वाइटी सुजन नाम से यदि कोई सर्च करता है तो मेरा वीडियो भी शो करेगा, आप यूट्यूब पे जा करके सर्च करके देख लीजिएगा। तो टैग डालने के बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देना है। उसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पे अपना थंबनेल को भी ऐड कर देते हैं, तो इसके लिए इस पर मैं सिंपली से क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा फाइल ओपन हो जाएगा। तो ये रहा मेरा थंबनेल, तो इस पर मैं सिंपली से क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर दूंगा, तो ये देखिए मेरा थंबनेल यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन दिया गया है मोनिटाइजेशन, जिसके थ्रू दोस्तों इनकम होता है। तो यदि आपका एक न्यू चैनल है तो ऐसे में ये वाला ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जब तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते हैं तब तक दोस्तों मोनिटाइजेशन इनेबल नहीं होता।
होते हैं। तो मैंने यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया है ताकि इस वीडियो के थ्रू मेरा अर्निंग हो पाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट करना है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि एड सूटेबिलिटी। तो दोस्तों यदि आपका वीडियो आपका खुद का है, मतलब खुद से आपने वीडियो बनाया है, किसी का कॉपी नहीं किया है, तो इस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है कि नीचे आना है और यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक मार्क लगाना है और यहाँ पे सबमिट रेटिंग वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों आपका वीडियो चेक किया जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे मेरा चेकिंग हो रहा है, तो चेकिंग होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। जब तक चेकिंग नहीं होता है आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मतलब दोस्तों पब्लिक नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है, तो और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है दोस्तों वीडियो एलिमेंट, जहाँ पे तीन ऑप्शन दिया गया है, ऐड सबटाइटल, ऐड एंड स्क्रीन और दोस्तों ऐड कार्ड। तो आप अपने पिछले वीडियो का सबटाइटल इस वीडियो पे ऐड कर सकते हैं। और एंड स्क्रीन का मतलब ये होता है कि दोस्तों आप जो वीडियो को अपलोड कर रहे हैं उस वीडियो के एंड में पिछले वीडियो को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि काफी सारे वीडियोस जब आप देखते हैं तो वीडियो के एंड में दूसरा वीडियो डिस्प्ले में दिखाया जाता है। जैसे कि आप ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो के एंड में आपको भी एक वीडियो डिस्प्ले में शो होगा। तो एंड स्क्रीन में दूसरा वीडियो ऐड करना जरूरी है, इससे आपका व्यूज इंक्रीज होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन पे प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट चूज करना है। तो ऐसे में पिछला वीडियो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यदि आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो इस केस में आपको यहाँ पे इन पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके चैनल पे जितने भी वीडियो होगा वो वीडियो आपके सामने दिखाया जाएगा। जैसे कि मेरा वीडियो यहाँ पे आ चुके हैं, तो चलिए यहाँ पे मैं इस वाले वीडियो को ऐड कर देता हूँ जहाँ पे मैंने ये दिखाया है कि किस तरीके से गेमिंग यूट्यूब चैनल बनाया जाता है। तो इस पर मैं सिंपली से प्रेस कर दूंगा, तो ऐसे में यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे सेव करना है, तो ऐसे में एंड स्क्रीन सेव हो जाएगा। जैसे दोस्तों कुछ इस टाइप से एंड स्क्रीन में मेरा वीडियो शो होगा मेरे व्यूअर्स को। उसके बाद यहाँ पे कार्ड पे भी आप दूसरा वीडियो डाल सकते हैं और आप अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आई कार्ड में आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टाइमिंग सेट करना है कि आप किस टाइमिंग पे वीडियो ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने आपका सारे वीडियो दिखाया जाएगा। तो जिस भी वीडियो को आप ऐड करना चाहते हैं उस वाले वीडियो पे प्रेस करना होगा और यहाँ पे दोस्तों सेव वाले ऑप्शन पे प्रेस करना होगा। तो ऐसे में दोस्तों आई कार्ड ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है, तो ऐसे में यहाँ पे चेक दिखाया जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरा वीडियो चेक हो रहा है कि कॉपीराइट है या नहीं। तो यदि मैं अपने वीडियो के अंदर दूसरे का कंटेंट यूज करता हूँ तो ऐसे में मुझे यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये स्टिल चेकिंग हो रहा है यूट्यूब के द्वारा। तो जब तक चेकिंग कम्प्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप अपना वीडियो को पब्लिक मत करिएगा। तो ऐसे में आपको यहाँ पे सिंपली से नेक्स्ट करना है और यहाँ पे अनलिस्टेड वाले ऑप्शन पे टिक मार्क लगा के सिंपली से आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। तो ऐसे में दोस्तों आपका वीडियो अनलिस्टेड पे पड़ा रहेगा, मतलब दोस्तों पब्लिक नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों चेकिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे में आप अपना वीडियो को पब्लिश कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अनलिस्टेड पे अपना वीडियो को सेव कर लिया है, तो चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं कि चेकिंग होने में कितना वक्त लगता है। जैसे कि ये रहा मेरा ये वाला वीडियो जो कि यहाँ पे चेकिंग रनिंग है। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे चेकिंग हो चुका है कम्प्लीट, तो चलिए अभी पब्लिक करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो ऐसे में यहाँ पे विजिबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके सिंपली से मैं यहाँ पे पब्लिक वाले ऑप्शन पर टिक मार्क लगा के यहाँ पे डन कर दूंगा और यहाँ पे दोस्तों सिंपली से सेव वाले ऑप्शन पे प्रेस कर दूंगा। तो ऐसे में दोस्तों मेरा ये वाला वीडियो पब्लिश हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पब्लिश हो चुका है कंप्लीट और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन भी मिल चुका है। इसका मतलब दोस्तों जितने भी सब्सक्राइबर मेरा है सारे सब्सक्राइबर के पास मेरा ये वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने ये जान लिया है कि किस तरीके से मैं अपने YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो इसी प्रोसेस में ही आप भी अपने YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने YouTube वीडियो के लिए कैसे टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ यदि आप सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट पे बता दीजिएगा, जिस पर मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। सो भलो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही बताना था। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा और अगर मन में कोई सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया लाल बटन पे क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।